हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख। साथियों जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं अपने जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, मैं अपने जिंदगी से झंड आ चुका हूँ। तो एक बार इस कहानी को सुनिए, देखिए और फिर इस पे कोशिश करिए, अमल करिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी शहर से दूर एक किसान अपने गांव में रहता था। वैसे तो वो हर एक चीज से संपन्न था, लेकिन फिर भी वो अपने जिंदगी से खुश नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि अपनी सारी जायदाद बेचकर कहीं अच्छी जगह पर अपना घर बनाएगा और अपना बसेरा वहीं बसाएगा। अगले ही दिन उसने किसी अपने जान पहचान का रियल इस्टेट एजेंट को बुलाया और बोला, भाई मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है और कोई अच्छी प्रॉपर्टी देखकर मुझे दिला दो तो बात ही बन जाए। क्यों, क्या दिक्कत हो गई आपको, एजेंट ने बोला। फिर किसान ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ, देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। ये उबड़ खाबड़ रास्ते देखो, ये छोटी सी झील देखो, इसके चक्कर में पूरा घूम कर रास्ता पार करना पड़ता है। इन छोटे छोटे पहाड़ों को देखो, जानवरों को चराना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही अनेक बेकार की समस्याओं को गिनाते हुए किसान ने बोला, मैं क्या करूंगा ऐसे जगह को, क्या होगा ऐसे जगह पे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छी जगह पे जाकर बसना है। एजेंट ने घूम घूम कर पूरे इलाके का जायजा लिया और कुछ दिन बाद किसी ग्राहक के साथ आने का वो वादा किया। इस घटना के बाद किसान एक दिन सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि कहीं अच्छी सी प्रॉपर्टी का पता चल जाए जहां वो सब बेचकर जा सके। तभी उसकी नजर एक आकर्षक एड पर पड़ी, ले सपनों का घर, एक शांत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच, शहर के भीड़ भाड़ से अलग बसाएं एक सुंदर स्वच्छ आशियाना, एक मोबाइल नंबर लिखा था। किसान को ये ब्यौरा बहुत पसंद आया और वो बार बार इस एड को पढ़ने लगा। लेकिन उस एड को वो बार बार पढ़ने पर उसने नोटिस किया कि ये घर का जो पता दिया गया है, ये एड्रेस तो इसी का है और ये घर का जो लोकेशन बताया गया है वो भी लोकेशन इसी का है। फिर उसने ये क्लियर करने के लिए वो दिए गए नंबर पे कॉल किया और सचमुच वो उसी का घर था। तब किसान को ये एहसास हुआ कि वाकई वो अपने मनचाही जगह पर रहता है और वो उसकी गलती थी कि वो हमेशा अपनी ही चीज़ों को गलत तरीके से देखता था। तो इस किसान की तरह हमें भी अपने जीवन में कई सारे समस्याओं से शिकायत रहती है। हमें लगता है कि हमारा ही जीवन सबसे बेकार है, हमारी ही नौकरी सबसे प्रेशरफुल है। क्या कभी आपने अपने जीवन को दूसरों के नज़र से देखने की कोशिश की है? क्या वाकई आपकी जिंदगी इतनी प्रॉब्लमेटिक है? आपने खुद जरूरत से ज़्यादा उसे ऐसे बना रखा है। उस किसान की तरह आप भी तो अपने जीवन को, अपने जीवन के सौंदर्य को कहीं अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए दोस्तों, किसी भी निर्णय लेने के लिए सबसे पहले उसके बारे में सोचिए, समझिए, क्या मैं ये सही करने जा रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। बगैर सोचे समझे किसी भी निर्णय को लेना उचित नहीं होगा। इसलिए कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उस पर विचार करिए, सोचिए समझिए, उसके बाद से किसी डिसीजन पर।